जी मुझे एक बात बताएं कि एमसीडी का चुनाव है मुझे एक बात बताएं आप एमसीडी का चुनाव चल रहा है क्या लगता है आपकी बार दिल्ली वाले किसे मौका देंगे एमसीडी में आप किसको देना चाहेंगे बोलना मना है बाकी सब कुछ नमस्कार आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर मैं हूं आलोक सांगवान और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं प्रवेश चौहान आज हम पहुंचे हैं नेहरू प्लेस में यहां पर कंप्यूटर की ये सबसे बड़ी मार्केट है पूरे देश भर से लोग यहां पर पहुंचते हैं कोई कंप्यूटर खरीदने आता है कोई कंप्यूटर बेचने आता है कोई कंप्यूटर का स्पेयर पार्ट लेने आता है तो देश भर से तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचते हैं और हम भी पहुंचे हैं लोगों की राय लेंगे देखेंगे कि एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली वालों की क्या राय है जो जो मिलेगा उससे पूछते जाएंगे जो हमें मिलेगा उसी से पूछेंगे हाँ जी सिंह साहब क्या नाम है आपका आज़ाद पाठक पाठक साहब दिल्ली से ही हैं जी बिल्कुल कहाँ रहते हैं ये मदनपुर खादर में एमसीडी को लेकर क्या माहौल बन रहा है क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी एमसीडी में देखो कोई भी आए हमें क्या हमें काम चाहिए कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी तीन पार्टी हैं उनमें से एक जिसका काम दिखेगा उसे वही आएगी ना अभी तो देख रहे होंगे ना आप वोटर हाँ अभी तो आम आदमी पार्टी का जब तभी काम दिखता है जब इलेक्शन नज़दीक आने लग जाता है चुनाव आता है तभी वो अपना काम दिखाती है नहीं तो नहीं दिखाती है फिर कैसे करेंगे मतलब चुनाव के वक्त जो काम दिखा रहे हैं तो फिर कैसे वोटर कैसे तय करता है कि इसकी वोट डालें इसकी डालें या किसकी डालें सेंट्रल गवर्नमेंट का देख के पता चलता है कि हाँ किसको वोट देना चाहिए किसको वोट नहीं देना चाहिए वो तो पूछ रहा हूँ फिर किसको देंगे चुनाव तो आ गया 4 तारीख को वोट डालें अब देखते हैं माहौल जिधर बनेगा उधर दिया जाएगा देखते हैं तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे आप मुझसे माहौल देखिए बीजेपी सबसे बात बीजेपी सबसे अच्छी काम कर रही है तो बीजेपी को देना चाहिए सबको बीजेपी अच्छा काम बीजेपी को देना चाहिए आपके लिहाज से कौन अच्छा बीजेपी अच्छा चलिए ठीक है पूछते हैं हाँ जी क्या नाम है सर आप वीरेंद्र सिंह जी चुनाव आ गया एमसीडी का क्या लगता है दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं एमसीडी में अब की बार किसकी बारी बीजेपी हाँ जी बिल्कुल क्या वजह वजह यह है कि बीजेपी जो काम कर रही है वो दूसरे के बस की है कहाँ केजरीवाल जी तो केवल लतीफा है वैसे बकवास उल्टा सीधा क्या क्या बोलते हैं कहते कुछ और है करते कुछ और है तो बीजेपी को तो आना 100% है केंद्र में भी वही रहेंगे और अब इस बार चुनाव होगा तो फिर दूसरा चुनाव में वही बीजेपी ही आएगी और कोई सवाल ही नहीं है दूसरे केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी दोनों ये कह रही हैं कि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में थी कूड़े के पहाड़ बनाए जो काम एमसीडी को करने चाहिए थे वो काम नहीं कर पाए भाई साहब अभी देखिए ना अभी तो पावर हाउस अभी यहाँ पे बना है कूड़े का कूड़े से ही पावर हाउस ये चल रहा है अपने बिजली का भी काम आएगा और कूड़े से वो तो सामान कहीं तो रखना पड़ेगा ना कूड़े को फिर उसे बिजली का काम अपना चालू हो गया है तो फिर और क्या चाहिए हमें तो अपना सुविधा चाहिए पब्लिक को सुविधा चाहिए ना पब्लिक बिल्कुल सुविधा पब्लिक को मिल रही है जी उससे कोई दुराय नहीं है बिल्कुल वही आएंगे आपने दो पार्टी का जिक्र किया आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया और बीजेपी का भी जिक्र किया मगर तीसरी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे हैं लोग ऐसा क्यों ऐसा है भाई साहब कि कांग्रेस में कोई ऐसा नेता ही नहीं है कांग्रेस में कौन नेता है कोई नहीं है आज के डेट में कौन है बताइए किसके बारे में कहा जाए राहुल जी के बारे में वो तो जैसे बस छोटे छोटे बच्चे जो बात करते हैं बिल्कुल सेम वही करते हैं उनका बात भी ऐसे ही है तो बच्चे बच्चे में ही जाएंगे ना ये बच्चे का देश को चलाना बच्चे का काम तो है नहीं काम तो वही चलाएगा जो अब उसका अंदर गॉड्स होगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे इनके बस की कहाँ है नामो निशान नहीं है इनका तो नामो निशान नहीं है जी 100% मतलब मुकाबला दो पार्टियों के दो पार्टी में भी बीजेपी ठीक है चलिए ठीक है ये इनकी राय थी इन्होंने बताई कुछ और लोगों से हाँ जी सर कैसे हैं आप क्या नाम हो आपका अंकुर शर्मा शर्मा जी मैं एक बात आपसे जानने आया हूँ कि चुनाव का वक्त है एमसीडी का चुनाव चल रहा है क्या लगता है दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं कि एमसीडी में अब की बार किसकी बारी होनी चाहिए कांग्रेस बीजेपी आम आदमी कांग्रेस तो कहीं ठहरती नहीं है लेकिन बीजेपी में और आप में ही आपका टक्कर रहेगा आपका अच्छा काम रहा दिल्ली के अंदर ठीक है जैसे आप पिछले आप देखते आ रहे हैं कहते हैं कि केजरीवाल जी अच्छा कर रहे हैं और अच्छा हरियाणा पंजाब में भी अच्छा किया तो आगे बढ़ रहे हैं और कहते हैं यहाँ एमसीडी भी कह सकता है कि आपके लेके जाएगी क्या लगता है एमसीडी कौन लेकर ये चीज तो भाई बीजेपी की लग रही मुझे था अच्छा आपसे पूछते हैं हाँ जी अंकल जी कैसे हैं आप चुनाव है एमसीडी का दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं कि अब की बार एमसीडी में किसको मौका दिया जाए सर ऐसा है ना
दिल्ली के अंदर पिछले काफ़ी समय से तो कांग्रेस थी, उन्हीं का था। उसको देखते देखते आस्ते आस्ते जिस तरह से कहते हैं ना कि भाई हम काफ़ी घमंड जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ हमें नज़र नहीं आया। रहा दूसरी पार्टी का, भाई हमें चांस दे दो, हमें चांस दे दो, चांस देने के बाद भी वो भी नहीं आती। भाजपा, ये भाजपा थी पहले, उसके पीछे कांग्रेस थी, अब दूसरी बोलती है आम पार्टी। आम पार्टी ने हमारी तरफ से तो सिर्फ यही बताया है कि भाई बिजली पानी फ्री, टिकट फ्री, कुछ फैसिलिटी गरीबों को मिली है। इसके साथ जो अमीर हैं वो उनका भी उसी में वो पीस दिया, चने के साथ घुन लगा दिया, इनके भी कुछ होने चाहिए। दूसरी बात है सफाई। सफाई के बारे में सबसे पहले ये है कि कहीं भी कोई सफाई का मुझे नज़र नहीं आता। नाली है, पानी है, पान की थूक है, ये देखो ये है, इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। एमसीडी ने पैसा खूब खर्च करा, अपनी जेब में डाला, सफाई का कुछ नहीं करा इन्होंने। ऐसे माहौल में क्या करेंगे लोग, कैसे वोटर कैसे तय करेगा? पहले तो हम लोगों को बदलना चाहिए। अभी मैं कुछ बात बताऊं, एक ने मैंने खर अभी पान खाया, वैसे खाता नहीं हूं मैं, ऐसे थूक दिया, मैं सोचा ये क्या करा है, तो कौन होता है, बोलने का स्टाइल ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से मानसिक तनाव जो है ना, एक सफाई का जो है ना, मेरी समझ में तो नहीं आया कि भाई ये आप करेगी या नहीं करेगी। हमें भी सुधरना चाहिए, सबको सुधरना चाहिए। दूसरा कूड़ा, अबे कूड़ा तो तुम उठा दोगे, डालोगे कहाँ पे, बताइए आप विजन। हाँ नहीं, उसका क्या है, या तो बताओ कि हम कूड़ा डाल के ये काम करेंगे। कोई स्टेट डालने नहीं देगा, चाहे यूपी हो या हरियाणा हो, कोई भी हो, हैं तो उसको पब्लिक को बताओ भाई हम इसका ऐसे करेंगे, तब तो इसका फैसला होता है। फिर भी अगर चांस देना है तो आपको दे दीजिए, केजरीवाल को दे दीजिए, बस उसको लिहाज से किसे मिले चांस जो है, आपको एक चांस मिलना चाहिए, आपको एक चांस, हाँ एक चांस मिलना चाहिए। बाकी कूड़े वगैरह का जो है डंपिंग कहाँ होगा, कैसे होगा, उसका क्या सेग्रीगेशन होगी, गीले कूड़ा और सूखे कूड़ा जो है उसका मेन मुद्दा वही होनी चाहिए। जो जो आपके लिहाज से किसे मौका मिलना चाहिए एमसीडी? मौका हर पार्टी को इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चाहे नई हो चाहे पुरानी। जो लोग अच्छा काम करें, एक रोड मैप पब्लिक के सामने रखे चुनाव से पहले, उनको अपना रोड प्लान पब्लिक के सामने रखनी चाहिए कि जीतने के बाद हम लोग ये कर रहे हैं। चुनाव के वक्त तो लोक लुभावन वादे होते हैं, हर पार्टी कहती है, बताएंगे ना कि मैंने देखो ये काम करा है या फिर मैं ये करूँगा। सारी चीज़ें पब्लिक आज के डेट में एनालाइज करती कि कौन पब्लिक के लिए कितना करेगी। जो अच्छा काम करेगी पब्लिक उन्हीं को वोट देगी मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ जी, क्या नाम? मेरा नाम सलमान हुआ। सलमान, मुझे ये बताएं कि एमसीडी का चुनाव है, क्या लगता है कि किस पार्टी को एमसीडी में चुना जाए ताकि बेहतर रहेगा? केजरीवाल बेहतर है। चलिए कुछ और लो, और लोगों से आइए आप, क्या नाम है आपका? आशीष नाम है भाई मेरा। बताएं फिर एमसीडी में किस पार्टी को मौका मिले? भाई बीजेपी को देंगे हम तो, और बीजेपी को ही मिलना चाहिए भाई। चलिए, जनता पार्टी है भाई, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो लोग हैं उनसे भी पूछते हैं, पता करते हैं कि आखिर एमसीडी के चुनाव में लोग चाहते क्या है। सर कैसे हैं आप? आप नहीं बोल रहे? चलिए कोई बात नहीं, जो बोल रहा है उनके पास चलते हैं, देखते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोनिस। मुझे एक बात बताएं कि एमसीडी का चुनाव है, दिल्ली, आप दिल्ली कहाँ से हैं? यूपी। खरीदारी करने? यस। ठीक है, कीजिए खरीदारी, क्योंकि मैंने बताया था कि बड़ी मार्केट है, लोग बाहर से आते हैं और लोग खरीदारी करने आते हैं, तो दिल्ली और दिल्ली के बाहर के लोग भी मिलते हैं। हम दिल्ली वालों से बात करेंगे, इसलिए हम आए हैं। सर कैसे हैं आप लोग? मैं आपसे एक बात जानने को आया हूँ, एमसीडी का चुनाव है, अब दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं, एमसीडी में किसको मौका मिले, केजरीवाल या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस, किसको? मैं तो आम आदमी पार्टी को ही दूंगा। क्या वजह? यही जो अब लाइट है, पानी है, ये सबको बेनिफिट दिया जनता को, इससे फिर केंद्र और राज्य में एक ही सरकार हो जाएगी तो फिर मोनोपोली चलना शुरू हो जाएगा, इसके वजह से इसलिए हम चाहते हैं एमसीडी में आम आदमी।
कुछ और जो लोग हैं उनसे भी पूछते हैं, पता करते हैं, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? सुनिए एक बार, क्या नाम है आपका? प्रिय रंजन। प्रिय रंजन, मैं आपसे एक बात जानने को आया, एमसीडी का चुनाव है, एमसीडी के चुनाव में दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को मौका दिया जाए? सर एक्चुअली क्या है कि अभी के समय में तो मैंने केजरीवाल जी का कामकाज को देखा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कामकाज रहा है उन्होंने, शिक्षा को लेकर के या फिर हमारे जो यूथ के लिए है उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है, तो मैं चाहूँगा कि अगर केजरीवाल जी का फिर यहाँ पे रहता तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी, ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे पूछते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? एक मिनट ले लें आपका। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव क्या लगता है, दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं आपकी बार? किस, हम यूपी से हैं, दिल्ली में नहीं है। यूपी से? यूपी से आए हैं, खरीदारी करने आए हैं। चलिए दिल्ली वालों को देखते हैं, मिलेंगे, दिल्ली वाले यहीं घूम रहे हैं। सर कैसे हैं आप? आप दिल्ली से नहीं हैं? आप दिल्ली से? चलो जो दिल्ली से उसी से बात करेंगे। जो लोग, हाँ जी, क्या हाल चाल है मित्र? क्या नाम है आपका? अमित। अमित, मैं एक बात आपसे जानने आया हूँ कि एमसीडी का चुनाव चल रहा है, दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को मौका देंगे अब की बार? सर हमारी तरफ से तो बीजेपी लग रही है हमें तो। तो बीजेपी में क्या ऐसा आपको लगता है कि बीजेपी को ही लोग दोबारा से चुने, कोई काम या फिर क्या वजह? सर काम देख लो, बीजेपी के काम सारे बढ़िया हो रहे हैं इस टाइम तो। या वही तो पूछ रहा हूँ, मोदी जी सारे काम बढ़िया कर रहे हैं, कामों को देखकर लोग वोट दें, और अदर पार्टी तो है ही नहीं कोई। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी थी, तो बीजेपी के काम वो जो उस स्तर पर हुए वो कैसे हुए? कौन थे एमसीडी ने जो कामकाज किए वो कैसे रहे? नाले की सफाई है, साफ सफाई है, कूड़ा है, ये सब चीज़ें एमसीडी के अंडर में आती हैं। एमसीडी का स्कूल है, एमसीडी का हॉस्पिटल है, पार्क है, कुछ इस तरह की चीज़ें एमसीडी करती है? नहीं, एमसीडी जो भी कराया बीजेपी ने तो खैर ठीक ही कराया फिलहाल अभी, बाकी अब मोदी जी थोड़ा और ध्यान देंगे उसको इसके बारे में, क्योंकि जब अब मोदी जी अपनी उनके सामने जब जीतेगी तो थोड़ा अलग फर्क पड़ेगा ना। चलिए, इनका ये कहना है कि मोदी जी कुछ करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? नाम है जी रईस खान। मुझे एक बात बताएं साहब, ये एमसीडी का चुनाव चल रहा है, क्या लगता है अब की बार कौन बाजी मार ले जाएगा यहाँ? सर अब क्या है कि अगर हकीकत की बात में अगर जाता है इंसान आज के टाइम में तो कहते हैं बोलना मना है। अच्छा। कान और आंख खुली रखो, जुबान रखो बंद, बेहतरी इसी में ही है। हाँ, क्योंकि बोलते ही NSA वगैरह वगैरह दुनिया, मतलब भारत की जितनी भी एजेंसियां हैं। अच्छा। सब पहुंच जानी है। ऐसा? हाँ, और पता नहीं क्या क्या बरामद कर लें घर में से। ऐसे भी है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मैं भी यही देख रहा हूँ मैं तो। अच्छा। वैसे जहाँ तक मेरी उम्र का ताल्लुक है, 64 साल का हूँ, छोटा था लेकिन पंडित जी का भी ज़माना देखा था और आज भी देख रहा हूँ। बस बोलना मना है, बाकी सब कुछ कुशल मंगल, बाकी सब ठीक है। लोग जो है अपने अपने ढंग से बताते हैं। कैसे हैं सर आप? आप यहीं से हैं, दिल्ली से? यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली? ओके, चलिए सर, दिल्ली हैं। क्या नाम है आपका? मेरा इरशाद अली। साहब मुझे ये बताएं कि चुनाव का वक्त है, एमसीडी का चुनाव चल रहा है, क्या माहौल बन रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे कौन पीछे, बता दीजिए। एमसीडी के चुनावों में देखो, जो बीजेपी की अभी तक सरकार रही है इन्होंने भी कुछ नहीं किया, और केजरीवाल भी 5 साल से लगे हुए हैं, कहते हैं झूठे झूठे वादे करते हैं, करते कुछ भी नहीं है। पोल्यूशन का वही हाल है, कचड़े सारे रोडों में पड़े हैं, कोई सफाई किसी की भी नहीं, किसी तरीके कोई सफाई नहीं है। पोल्यूशन के नाम पे हर साल मोदी सरकार कहती है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो साफ करा रहे हैं, यमुना साफ करा रहे हैं, केजरीवाल भी कहता है पोल्यूशन के लिए हमने बहुत सारे प्लान बना रखे, होता कुछ भी नहीं है। दोनों ही ऐसे हैं, ये कुछ नहीं करना चाहते। कौन करेगा एमसीडी में? अगर हो सकता है कांग्रेस की सरकार आए तो कुछ एमसीडी को फायदा हो। इन दोनों की तो सिर्फ ये जुमलेबाज हैं और कुछ नहीं करते। के लिहाज से कौन आना? आम आदमी पार्टी आएगी सर। जी सर, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं रही है, उनसे कोई उम्मीद नहीं है।
अब उनका विचार है सर, वो कुछ भी बोल सकते हैं, आजाद है। विचार कैसे बना कि आम आदमी पार्टी को आना? सर हम यहाँ के वोटर हैं और हम उनके साथ 8 साल से 10 साल से देख रहे हैं दोनों सरकारों को। 8 साल से मोदी जी भी हैं, 8 साल से केजरीवाल जी भी हैं। काम किया केजरीवाल? हाँ सर काम किया, जमीनी काम सर, स्कूल में भी अच्छा काम किया है, बिजली में भी उन्होंने काम किया है, लेडीज़ों के लिए बस फ्री कर रखा है और मार्शल वगैरह भी है जो बस वगैरह में थोड़ा सा होता था वो भी अच्छा कर रखा उन्होंने। तो इसी हमारे हिसाब से, और 15 साल से तो बीजेपी ही है सर। जहाँ देखो गंदगी, हर गली के बाहर देखो तो कूड़ेदान बना दिया। पहले तो कूड़ेदान निकल के बाहर जाता था, अब तो हर गली के बाहर, मैं तो संगम बिहार का हूँ यही कहूँ तो, थाने के साथ में ही जाके देखो अभी तो कूड़ा पूरा वहीं रखा हुआ है, तो दिक्कत है। आपका क्या नाम है? मेरा देवचंद्र है। देवचंद्र, अब चुनाव आ गया एमसीडी का, क्या लगता है एमसीडी में अब और किसे मौका मिले, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी? बीजेपी को मिलना चाहिए। बीजेपी काम कर रहे हैं देश से लेके, मतलब जैसे मोदी जी हैं। एमसीडी में काम किया कि नहीं वो बताइए। अच्छा जो भी एमसीडी का है, जो भी है, तो बीजेपी इतना अच्छा कर... में क्या काम किए? 15 साल से बीजेपी है, आप काम गिनवाए इनको? काम देखिए वैसे मैं फिलहाल दिल्ली से हूँ, नहीं तो मैं बिहार से हूँ। हाँ तो मुझे कोई उतना ठीक है, आप बिहार से हैं तो फिर क्या फ़ायदा बात करने का। सर कैसे हैं आप, मुझे एक बात बताएं, आप एमसीडी का चुनाव चल रहा है, क्या लगता है आपकी बार दिल्ली वाले किसे मौका देंगे एमसीडी में? आप किसको देना चाहेंगे? सर आपसे पूछने आया हूँ, क्योंकि मेरी तो वोट है नहीं, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ। ये कैसे हो सकता आपका वोट? स्टेट से नहीं हूँ। ओके भाई जी, हमें जो काम करेगा हम तो वोट उसी को देंगे। ये तो बात आपने वो कर दी आदर्शवाद वाली, जो अच्छा बीजेपी डेफिनेटली आपको देखकर या फिर लेकर क्या सर, सबको धोखा ही बनाया और क्या कर रहा है, धोखा ही दे रहा है और देता रहेगा उस जिंदगी भर, खुद ही धोखेबाज है। जिसने जहाँ से उठा, अन्ना हजारे से उठा, अन्ना हजारे को धोखा दे गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक बात बताएं कि दो पार्टियों का लोग जिक्र कर रहे हैं, जैसे आपने किया दो पार्टियों का, आपने बीजेपी का किया, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, मगर कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं कर रहा है, क्या है कहाँ? आपको दिखती है कहीं? दिख रही है कहीं? उनको बड़ी पप्पू अपना घूम रहा है, घूमने दो पप्पू को, काम घूमना है वो घूमता रहेगा बस, कभी दाढ़ी बढ़ा लेगा, कभी कुर्ता पहन लेगा, कभी कुछ कर लेगा, कभी कुछ कर लेगा, वो उसका काम वही है बस। मुकाबला मतलब दो पार्टी तो खुद पछताती है कि मैं कहाँ पैदा कर दिया उसको, बस यही है और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। थैंक यू। आप बताएं आपके लिहाज से कौन पार्टनर है? एक ही है। अच्छा चलिए सर, जो एक नहीं है उनसे पूछ लेते हैं।